Happy Donggin. Happy Donggin. Happy Donggin. नमस्कार, सियांग उंग न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत है। तो सियांग उंग न्यूज़ लाइव आज पहुंच चुका है आलो, जो कि स्थित है वेस्ट सियांग जिला अरुणाचल प्रदेश में। जैसा कि आप सबको पता है, आज का दिन है 2 फरवरी 2024 और आज ही के दिन को मनाया जाता है डोंगिन त्यौहार। यह त्यौहार बुनियादी रूप से मनाया जाता है आदि जनजाति के द्वारा। अगर विशेषकर रूप से कहे तो आदि के उपजन बोरी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। डोंगिन का मतलब होता है वसंत ऋतु, उसे स्प्रिंग सीजन के नाम से भी जाना जाता है। बोरी जनजाति डोंगिन त्यौहार का आयोजन करके वसंत ऋतु का स्वागत करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं श्री ताजा बोनुंग जी, जो कि इस बार का 32nd रुंगोंग एसटी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का एक एस्पायरिंग एमएलए कैंडिडेट है। और उसी के साथ मान्यवर अतिथि के रूप में जुड़ने वाले हैं श्री आकार हांगोंग जी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए एक नज़र डालते हैं आज के प्रोग्राम में। तो फिलहाल हमारे साथ है, आज का जो डोंगिन सेलिब्रेशन प्रोग्राम था इसका प्रेसिडेंट है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा। तो सर, सबसे पहला अपना नाम बता दीजिए और आज के प्रोग्राम के बारे में आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए। थैंक यू सियांग यूंग चैनल। मेरा नाम है तबी नियांगी, डोंगिन फेस्टिवल सेलिब्रेशन कमेटी का प्रेसिडेंट आलो, और मेरा साथ है ये जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर टकिंग पासर। और ये फेस्टिवल हम स्पेशली आदि बड़ी कम्युनिटी लोग ही मनाते हैं हर एक साल ये 2 फरवरी इस डेट पे। तो इसमें आज का प्रोग्राम भी अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा। तो मैंने सभी जितना इन्वाइटीज और चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर सभी आया, उन सभी को भी अच्छा लगा और वेलकम करता हूँ। इसी तरह मतलब कोई भी जो भी फेस्टिवल को एक साथ बढ़ावा दे के सक्सेसफुल सेलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ। तो हमारे साथ अभी यहाँ पे इस प्रोग्राम का जनरल सेक्रेटरी भी है, तो आइए उनसे हम एक सवाल पूछते हैं और जानते हैं उनका व्यू। तो सर, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि जो अभी का जो फेस्टिवल है उसके बारे में और रिलीजन, उन दोनों का बारे में आपका व्यू क्या है? थैंक यू सियांग एंग न्यूज़, आप यहाँ पर हमारे कवर करने के लिए। तो मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जितना भी हमारे लोग हैं
सिर्फ हमारे मतलब आदिवासी कम्युनिटी के नहीं, जितना भी हमारे ये ट्राइबल है उन सबको मैं ये पहुंचाना चाहता हूँ, कवर की मैसेज देना चाहता हूँ कि हम फेस्टिवल और रिलीजन को हम कभी मतलब ये मतलब फेस्टिवल को हम मानना है, कोई भी रिलीजन मानने से भी रिलीजन रिलीजन का जगह में है, फेस्टिवल फेस्टिवल का जगह में है। अब रिलीजन किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, अब हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन एनी हिंदू कोई भी रिलीजन, लेकिन आपका जो फेस्टिवल है ये आपका आइडेंटिटी है। अब ये फेस्टिवल का थ्रू ही मतलब आपको आपका पहचान है, जैसे कहा जाता है कि लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। तो हम लोग का ये जो ट्रेडिशन है और ये हमारा कल्चर है, ये हमारा फेस्टिवल है। तो एक दिन ऐसा होगा कि मतलब कोई नहीं रहेगा हमारा ये फेस्टिवल को मनाने के लिए, कि सब बोलेंगे कि हम ये रिलीजन हम वो रिलीजन है, कोई बहाना दे सकता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसा कोई ना करे, फेस्टिवल में सब आए, इसमें कुछ वो नहीं है, ये बस अपना कल्चर और अपना आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं। और ये दूसरा बात है, हम लोग का जितना भी आदमी है ये फेस्टिवल और ये पॉलिटिक्स को भी मिक्सअप करते हैं, कि सोचते हैं कि हम ये पॉलिटिकल पार्टी का है, वो ऐसा है, ये सब भी हमको नहीं करना चाहिए। तो फेस्टिवल इस फेस्टिवल ये सबके लिए है, और पॉलिटिक्स अपना जगह में, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, किसी का साथ हो, किसी का साथ ना दो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप फेस्टिवल समय आप आना है और फेस्टिवल को मनाना है। हम अगर आज का दिन में ये हमारा समय है, हमारा दिन है, अगर आज हम इसको मना के आगे नहीं ले जाएगा तो कल हमारा बच्चा क्या मनाएगा, हमारा बच्चा का क्या आइडेंटिटी रहेगा। तो इसीलिए हम ये चाहता है कि कोई भी आदमी कहीं भी हो, ये दोनों को मिक्स नहीं करना है।